स्वागत है दोस्तों आप सभी का द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेम ओवर स्क्रीन के बारे में। दोस्तों हमने ये एनिमी शिप के अंदर जिस तरीके से ये हेल्थ बार लगाया था, उसी तरीके से मैंने ये प्लेयर के ऊपर भी यहाँ पर हेल्थ बार लगा दिया है। और मैं स्क्रिप्ट के ऊपर ले जाता हूँ आपको, ताकि जल्दी जल्दी बता सकूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर दिए है। मैंने जिस तरीके से एनिमी शिप के अंदर ये हेल्थ बार लगाया था और उसके वेरिएबल लगाए थे, वही वेरिएबल मैंने यहाँ पर प्लेयर में भी लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने एक टेक डैमेज फंक्शन बनाया था ये वाला एनिमी शिप के अंदर, उसी तरीके से हम प्लेयर के अंदर भी एक टेक डैमेज फंक्शन बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने टेक डैमेज फंक्शन बना लिया है। अब दोस्तों इसके अंदर एक और चेंजेस मैंने एनिमी शिप के अंदर भी किया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर ये हमारा प्लेयर है उसको एनिमीज ढूंढ लेता है और उसके ऊपर फायर करता है, जो हमारा है प्लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी हेल्थ खत्म हो जाएगी उसके बाद में, तो उसके बाद में ये प्लेयर को ढूंढ नहीं पाएगा, तो एक एरर आ जाएगी कि प्लेयर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एनिमी शिप के अंदर ये वाली जो कंडीशन है फाइंड द प्लेयर, ये फंक्शन है जो फाइंड द प्लेयर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे प्लेयर Not is equal to null, तो ये वाली कहानी सामने आएगी। वरना क्या हो जाएगा कि ये जो एनिमी स्टेट हमने बनाया था उसको हम ऑन पाथ कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए इससे क्या होगा। इसको मैंने टेम्पररी यहां पे हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा ये देखिए, हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा प्लेयर जैसे ही इसके पास गया, इसने फायर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद में एक एरर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गई है, मैं आपको कंसोल में जाके दिखाता हूँ। एरर क्या है, उसको डिस्टेंस ढूंढना है प्लेयर के और अपने बीच में, तो प्लेयर तो अब है नहीं, तो इसलिए ये एरर यहाँ पर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन डाल देंगे जैसे ही हम, तो ये जो एरर है वो चली जाएगी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने प्लेयर को ढूंढ लिया, उसके ऊपर फायर कर रहा है, और प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वो वापस पेट्रोलिंग पे लग जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे ही प्लेयर की हेल्थ जीरो हो जाए, यहाँ पर एक स्क्रीन आ जानी चाहिए गेम ओवर की, जिसके अंदर कुछ बटन भी होने चाहिए, जैसे कि रीप्ले या फिर मेन मेन्यू या होम बटन, ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक और बटन इसके अंदर होना चाहिए, क्या कि अगर आप वीडियो देखोगे तो ये गेम आप कंटिन्यू कर सकते हो, रिवॉर्ड वीडियो, यानी कि हम कई गेम खेलते हैं उसके अंदर हमको दिखाई देता है कि जैसे ही हमारा प्लेयर की हेल्थ खत्म हो जाती है, प्लेयर मर जाता है, प्लेयर शूट हो जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर एक बटन आ जाता है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक लाइफ आपको और मिल जाएगी। तो हम भी ऐसा एक बटन यहाँ पर लगाएंगे रिवॉर्ड वीडियो वाला, कि अगर वो वीडियो देखता है तो प्लेयर वापस जिंदा हो जाएगा और वो वहीं से खेलना शुरू कर देगा, अगर रीप्ले करता है तो यही जो लेवल है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमें एक स्क्रीन बनानी है, तो स्क्रीन बनाने के लिए कैनवास के ऊपर आना पड़ेगा। कैनवास के ऊपर आने के बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे पैनल लेनी है, ये देखिए, और ये पैनल बाई डिफ़ॉल्ट इस तरीके की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ सेंटर में रहे, और उसकी साइज़ जो है वो मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ इतनी। अब पैनल के अंदर आप कोई भी इमेज भी लगा सकते हो, कोई भी डिज़ाइनर इमेज आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ इमेज। ये देखिए ये जो स्क्रीन है वो कुछ नहीं है, पैनल ही है, और उसके अंदर इमेज लगा के रखी है, तो आप पहले से ही कुछ ऐसी इमेज डाउनलोड करके रखिए और इसके अंदर इसके बैकग्राउंड में इस तरीके की इमेज आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए दूसरी वाली है वो ऐसी है, अब ये वाली है वो ऐसी है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक इमेज ही है जिसको यहाँ पर पैनल के अंदर यहाँ पर स्टोर किया है। तो आप कोई भी अच्छी सी इमेज इसके अंदर लगा दीजिएगा, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और इस पैनल के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ बटन्स ऐड करूँगा। तो बटन किस तरीके से ऐड किया जाता है, यूआई किस तरीके से यूज़ की जाती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको फिर मिलता हूँ। तो
दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैनल बना ली है जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट ले लिया है जिसके अंदर हमने लिख दिया है गेम ओवर, एक बटन ले लिया है जिसके अंदर हमने रिप्ले लिखा है, एक दूसरा बटन लिया है जिसके अंदर हमने लिखा है वॉच वीडियो। अब ये जो पैनल है उसको यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक गेम मैनेजर बनाया था, उसकी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट पैनल नाम का हमने ले लिया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो गेम मैनेजर है उसके अंदर ये वाली पैनल हम डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते गेम ओवर। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया है जिसको हमने नाम दे दिया है गेम ओवर। अब ये हमने पब्लिक बनाया है फंक्शन, क्योंकि इसको हमें कॉल करवाना है प्लेयर स्क्रिप्ट में से। अब ये जो पैनल है उसको हमने यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है, और यहाँ पर गेम ओवर फंक्शन के अंदर हमें लिख देना है पैनल डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव ट्रू, और ये जो फंक्शन है वो हमें प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट में जाना है, और वहाँ पर टेक डैमेज फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमें ये लिखना है। तो हम ये वाली स्क्रिप्ट को कॉल करवा रहे हैं गेम मैनेजर को, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, गेम ओवर फंक्शन यहाँ से हम कॉल करवा देंगे। आपको ये फंक्शन पहले कॉल करवाना है डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट हो जाने से पहले, नहीं तो क्या होगा कि ये गेम ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं यूनिटी पर। अब ये देखिए प्लेयर को इसने शूट कर दिया है, तो जैसे ही प्लेयर मर जाता है तो ये गेम ओवर वाली स्क्रीन यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पे दो बटन है, फिलहाल इसको क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सिर्फ यूनिटी के बेसिक फंडाज है जिसका इस्तेमाल करके आप बेहतर गेम बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने तो ऐसे ही बेसिक आपको गेम बनाकर बता दी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल गेम बनानी है जिसको खेलने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि जितना ही खेलने में मज़ा आएगा उतनी ही आपकी गेम ज़्यादा चलेगी, और जितनी आपकी गेम ज़्यादा चलेगी उतनी ही अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। तो आप बेहतर गेम बनाकर या बेहतरीन गेम बनाकर आप मुझे बताएं, और मैं उसको देखूंगा और कहूंगा कि इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे वॉच वीडियो वाली एड किस तरीके से आप अपने गेम के अंदर लगा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।